अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ की शामी कबाब रेशे वाली। और यहाँ पर मैंने पानी गर्म करके, क्योंकि ज़ाहिर है वो बीफ जो है गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पानी गर्म करके इसमें गोश्त डाल दिया था। और ये आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस तरह की ये मैंने बोटियाँ करी है बड़ी बड़ी, इस तरह की मैंने गोश्त के साइज़ की बड़ी बड़ी बोटियाँ रखी हुई है। और ये मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त डाला है। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने पानी गर्म कर कर इसमें गोश्त डाल दिया, और अब इसमें इसके ऊपर आपको जाग से नज़र आ रहे हैं, ये देखिए मैं करीब से दिखाती हूँ, मैं अपने स्पून यानी चमचे में भी निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए दिख रहे हैं। ये हम निकाल देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ये जो जाग है इसकी वजह ये थी। गर्म पानी करके इस जाग को हम निकाल देंगे सारा, सारा जाग हम इसको इस तरह रिमूव कर देंगे इसमें से। और फिर इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, देखें मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज ऐसे बड़े बड़े साइज में कट कर लिए, ये डाल देंगे। जो जो इस टाइम पे हम मसाले डाल रहे हैं वो आपने देखने, ठीक है, क्योंकि मैंने आधा किलो से ज़्यादा बोटियाँ ली हुई है बड़ी बड़ी। हमें रेशा कबाब बनानी है, और किस तरह ये बनेगी और कितनी मज़े की बनेंगी वो आपने देखना है। 3 स्पून मैंने इसमें जीरा डाला है, सॉरी मुझे आज हाथ में कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। 1 स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, 1 स्पून मैं 2 स्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी, ठीक है। मसाले सारे आपको गौर से देखना है, स्किप नहीं करना। मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आंटी आप ही लोगों को सिखाने के लिए आई है आपकी फरमाइश पर, तो इतना तो हक बनता है कि आप आंटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये मैंने साबुत धनिया डाल दिया है 2 स्पून के करीब, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे स्पाइस, जो है आप अपने फैमिली के हिसाब से रखेंगे। ये 10 से 12 जो है मैंने साबुत लाल मिर्चें डाल दी है इसमें, ठीक है। और हम क्या डालेंगे इसमें, और भी चीज़ें डालेंगे, आप देखते रहें, जाना नहीं है, अभी यहीं पर रहना है आप लोगों ने। हमने 8 से 10 गोल वाली लाल मिर्चें डाली थी, इस तरह 8 से 10 हम ये तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल देंगे। जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे, और यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा, हमने साबुत धनिया डाला था, थोड़ा हम इसमें पिसा हुआ यानी 2 स्पून हम पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दाल हमने क्यों नहीं डाली, तो दाल हमने अभी इसलिए नहीं डाली क्योंकि गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और दाल जो है अगर हम इतनी देर पकाएंगे इसमें तो दाल बिल्कुल हलीम की तरह पेस्ट हो जाएगी, जिससे हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। हमें रेशा कबाब बनाने, तो अभी हम थोड़ा गोश्त को हाफ डन होने देंगे, जब हाफ डन हो जाएंगे इसके बाद इसमें हम चने की दाल ऐड करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, जब तक हम इसको 30 मिनट के लिए कवर करेंगे, और 30 मिनट के बाद फिर हमने क्या करना है फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। कवर कर दिया हमने, और 2.5 यानी 2.5 स्पून यानी 2.5 चम्मच 2.5 स्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, ठीक है। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे और कवर कर लेंगे। तो फिर ये शामी कबाब का हमने मसाला चढ़ाया था, आप लोगों ने देख लिया था, मसाले हमने उसमें सब डाल दिए थे। जो तरीका मैं रेशे वाली कबाब का बना रही हूँ वो आपको बता रही हूँ, किसी ने बताया नहीं होगा, सबकी एक अपने अपने तरकीब होती है, अपने अपने तरीके होते हैं, और सभी बहुत अच्छा सा बनाते हैं। मैंने क्या किया कि पहले आपको पता है कि मैंने जो है 1 किलो के करीब गोश्त लिया था, और इसकी मैंने ऐसे बड़ी बड़ी बोटियाँ कर ली थी, ठीक है ना।
ये बड़ी बड़ी मैंने बोटियाँ कर ली थी और मैंने आधा किलो से कम डाल ली थी और इसमें मैंने सारे मसाले डाले थे। इसको यहाँ रखते हैं और ये मैंने उबाल लेते। अब मैंने आधा घंटे के बाद ये गोश्त पहले आधा घंटा मसालों में पकाया था, मसाले उसमें बोटियों पे अच्छे से चढ़ गया। आधे घंटे के बाद दाल डालने का मकसद मेरा ये था कि अगर मैं गोश्त के साथ दाल डाल देती तो दाल हो जाती बिल्कुल हलीम की तरह, ठीक है। और ये ना मैंने आधे घंटे बाद इसलिए डाला कि देखिए अब ये खिली खिली सी, मतलब बिल्कुल खिली खिली सी दाल उबली है। अब जब हम इसको इसके साथ पीसेंगे थोड़ा थोड़ा कर कर, तो ये जो है ना क्रिस्पी क्रिस्पी, मतलब है ना दानेदार सी, और अंदर जो गोश्त है ना वो रेशे वाले तरह, जैसे एक कीमा हो जाता है या पेस्ट हो जाता है ना, ऐसा नहीं होगा, रेशे की तरह गोश्त निकलेगा। तो मसाले तो हमने इसमें तकरीबन सभी डाल दिए थे। अब इसमें जो रहता था वो ये रहता था कि तीन चीज़ें हमने और डालनी है, वो क्या डालनी है मैं आपको बता रही हूँ। अब हम लेंगे यहाँ पर चॉपर और इसको रखेंगे साइड में, और हमने करना क्या है, हम पहले गोश्त डालते हैं यहाँ पर, क्योंकि बोटियाँ जो है बड़ी बड़ी है उसे हमने पीसना है, ठीक है। अब थोड़ी हम इसके साथ डालेंगे ये दाल, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है। और ये आप लोग मेरे बच्चे जो है शहरी में भी खाते हैं, जब भूख लगती है जब खाते हैं, इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं जब तक दिल चाहे, और जब तक दिल चाहे आप लोग। यहाँ पर हमने आधा गोश्त और आधी दाल डाल दी है और हमको इसमें डालना है भर कर। ये मैंने पूरी एक गड्डी पुदीने की ले ली थी, बिल्कुल फ्रेश साफ करके धो लिए, और एक गड्डी मैंने धनिया की ले ली थी। इसमें धनिया और पुदीना डाल जब जाता है तो इसकी खुशबू आप लोगों को पता है कितनी अच्छी होती है, इससे कबाब में और जायका आ जाता है। तो यहाँ पर हम आधी जो है धनिया की गड्डी डालेंगे और आधी जो है पुदीने की गड्डी डाल देंगे, ठीक है। और अब हम इसको बिल्कुल पीस लेंगे, और पीसने के बाद फिर मैं आपको आधा हमने पीस लिया गोश्त और मसाला और दाल डाल के बाद हम ये दोबारा पीस रहे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो दो चार से दो तीन चार चीज़ें जो रहती थी, धनिया पुदीना रहता था, जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट पीस लिया है ये देखिए, और ये एक किलो गोश्त, एक किलो के करीब थोड़ा सा ही कम गोश्त था, और दाल आधा किलो मैंने डाली थी, इससे ये इतने कबाब का मसाला बना है। अब इसमें मुझे दो चीज़ें और ऐड करनी है, और वो क्या करनी है वो करने हैं मुझे, मैं इसमें करूँगी चार अंडे। मैं डायरेक्ट कबाब में नहीं डालूँगी क्योंकि अंडे ख़राब होते हैं, आप लोगों को पता है बीच में निकल आते हैं। तो पूरी कबाब का मसाला हमारे इतनी महंगाई में अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए हमेशा से याद रखिएगा कि आपने अलग से अंडे निकालने हैं, पहले उसको चेक करने, उस अंडे को तोड़ के ही, जैसे हमने ये तोड़ा हमने इसको खोलकर पहले चेक करना है, ऐसे चेक कर लिया सही है हमने डाल दिया, ठीक है। इसी तरह हमने करना है, मैं इसमें क्योंकि अंडे कबाब ज़्यादा है इसलिए मुझे अंडे ज़्यादा थोड़े चार डालने पड़ रहे हैं, और अब हमारे जो चारों अंडे हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। इसके अंदर हमने ऐड करना है काली मिर्ची डालेंगे हम इसमें। मैंने असल में ना मेरी उंगली जो जल गई है शाम में, इसमें हम काली मिर्ची ऐड करेंगे, और गरम मसाला, मैंने साबुत गरम मसाला इसमें नहीं डाला था, उसकी वजह आप लोग को मैं बता दूँ ना आप लोग बोलेंगे, जब हम ये चॉपर में या उसमें पीसते हैं ना तो या तो उसमें थोड़ा थोड़ा वो बड़ा बड़ा दरदरा सा रह जाता है, बिल्कुल फाइन चॉप नहीं होता, तो उस वजह से फिर बच्चों के मुंह में कबाब आती है ना तो बच्चे नहीं खाते तो छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बाद में एंड में पूरा मसाला जो है ज़ाफ़रानी मसाला मिलता है वो मैं ना लेकर रखती हूँ और घर में पीस लेती हूँ ज़ाफ़रान वगैरह सब डालकर, और वो मैं फिर इसमें शामी कबाब में अंडे के साथ फेंट के, इसमें मैंने दो चम्मच जो है 2 स्पून गरम मसाला डाला है पाउडर, और 1 स्पून काली मिर्ची का पाउडर डाला। अब इसको हमने अच्छे से
ऐसे फेंट लेना है। कचरा हम साइड कर देते हैं ऐसे। और यहाँ हम रखेंगे कबाब का मसाला और हम डाल देंगे इसमें ये अंडे। ठीक है, ये अंडे हम डाल देंगे। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। मिक्स करके फिर तो ये देखिए हमारा जो बैटर हमने बनाना था कबाब का, शामी कबाब का, वो हम बना चुके हैं। मेरे से थैली से काम नहीं हो रहा था, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बना के बताऊँ। हम हर कबाब में तेल लगा कर उसकी बैटिंग इसलिए करते हैं कि उसकी बैटिंग जो है ना बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। हमने इसमें एंड में गरम मसाला तो 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्ची और वो लेकर और 4 अंडों को इसमें ऐड कर उसको हमने अच्छे से जो है खा लिया है। अब क्या है, जब भी हमने तलनी होगी। अच्छा, इसको मैं अभी सहरी के लिए और बच्चों के लिए अभी तलूंगी थोड़ी, आपको तल कर भी दिखाऊंगी, फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी। और यकीन कर भी सिर्फ मसाला मिलाया है और इतनी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसके मसाले इस तरह मैं सारे मसाले मैं घर में पीसती हूँ बनाती हूँ। तो ये इस तरह की मैंने ये कबाब बनाई है, देखिए। और जब मैं इसको तलूंगी ना, तो मैंने इसमें अंडे डाल दिए, अब इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम सिर्फ निकालेंगे, जब भी हमें खानी होगी हम फ्राई करेंगे बस, और कुछ भी नहीं डालना। अब ये तेल लगाने से क्या होता है कि हमारी जो कबाब है ना बड़ी ठीक होकर इस तरह बनेगी, टूटेगी भी नहीं और बड़ी अच्छी बनेगी। आप ये जो अंगूठा है ना, यहाँ से आपको इसको दबाते जाना है और ऊपर से इसको प्रेस करते जाना है। ये कबाब खुद ब खुद साइडों से भी पैक होती चली जाएगी और ऊपर से भी जो है ये होती चली जाएगी। ये देखिए, मैं आपको 2-3 कबाब बना के बताती हूँ, फिर मैं ये इतनी सारी। दिखा दे कैमरा, ये देखें कबाब मैंने रेडी कर लिए। अभी आधी कबाब बनी है और अभी इसको बाकी है, अभी आधी और बन रही है। मैंने कहा मैं आपको फ्राई कर दिखा दूँ थोड़ी कि ये कैसी लगती है और उसे कितना मज़े का टेस्ट आता है और कैसे तलने में दिखती है। तो ये मैं डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तलने का तरीका ये है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना, कम से कम अगर आपको तेल में तलना है और कम से कम जो है इसको इसमें तेल ये लगे, तो इसको हमने एक साइड पे तो हिलाना नहीं है, ये टूटेगी बिल्कुल नहीं। इसकी बैटिंग हमने बहुत अच्छी सी की है, एक साइड पे लाइट गोल्डन हो जाना तो इसको दूसरी साइड पे इस तरह कर दें आप, सारी पलट दें एक ही बार। मैं ये बता रही हूँ, थोड़ी सी तल के मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इस तरह देखें, ज़रा भी ना टूट रही है ना ख़राब हो रही है। और इसको हम बस एक साइड पर ये ऐसे कर देंगे। इसके बाद जो है ना, ये एक कबाब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दूसरी साइड से तो आप डन हुई। अब मैं इनको यहाँ साइड पे रखती जाऊँगी। इससे क्या होगा कि हमारा इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा तेल होगा ना, वो यहाँ से स्लिप होकर आ जाएगा, इससे तेल भी रिमूव हो जाएगा। और ये जब मैं जब तक ये दूसरी कबाबें इधर फ्राई करूँगी ना, तो उससे हमारे को हमको फ़ायदा ये है कि ये तेल यहाँ से एक्स्ट्रा इधर आ जाएगा और यहाँ पर ये बगैर तेल में जो थोड़ी सी तेल में हमने फ्राई किए वो गोल्डन होती जाएगी। और हम इसको यहीं पर ऐसे घुमाते जाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो ये हमारी मज़ेदार सी रेशमी शामी कबाब तैयार हो गई है। और ये कैसी बिस्किट बनी है ये मैं आपको बता दूँ। ये देखें, बड़ी क्रिस्पी सी बनी है। और ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखें इसमें गोश्त जो है इस तरह रेशे रेशे सा। और ये खाने में बड़ी टेस्टी और बड़ी मज़ेदार लगती है, ये देखिए। अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि अगली वीडियो आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।